Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is Black One Barriers, class 9th. The poem was written by Sarojini Naidu. The poem is about the customs of ancient India. It reflects about Indian marriages and their cultures. In this poem, the poet Sarojini Naidu depicts the story of a woman, of a bride, was seated in a decorated palanquin. She was generally dressed in a very special attire. Four able men were chosen to bear her palanquin. It was a privilege to be chosen as a palanquin bearer. जैसा आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में जब हम दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाते थे तो हम डोली का इस्तेमाल करते थे। हिंदुस्तान में लोग डोली का इस्तेमाल करते थे, खासकर हिली एरियाज में इसका इस्तेमाल ज्यादा हुआ करता था क्योंकि वहां पे रोड्स नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, तो वहां पे ज्यादा इस्तेमाल हुआ करता था। लेकिन अब ये जो रस्म है ये बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसी रसम की नजर एक पोएम सरोजिनी नायडू ने लिखी है, क्योंकि एक ये पोएम जो है ये एक फोक सॉन्ग के फॉर्म में है। जो प्लेक्वन बैरियर्स जो होते हैं, जो डोली उठाने वाले हैं, जो डोली ले जाने वाले होते हैं, जो गा रहे होते हैं, किस तरह बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से वो एक दुल्हन को ले जाते हैं, इस पोएम में वही बयान किया गया है। तो मैंने क्या किया, इस पोएम को मैंने दो लेक्चर्स में मैंने डिवाइड किए हैं। पहला जो लेक्चर है तो इसमें हम सिर्फ पहला स्टैंजा लेंगे, इसके बाद दूसरा स्टैंजा लेंगे, तो फिर पोएम में जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो मैं बता दूंगा। तो लाइटली और लाइटली वी बियर अलोंग, ये कह रहे हैं प्लेक्वन बैरियर्स, जिनको ये प्रिविलेज, जिनको ये हक, जिनको ये सुपीरियर वैल्यू दिया गया था, वो कह रहे हैं लाइटली लाइटली वी बियर हर अलोंग, बड़े आराम से इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं। सवेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ अ सॉन्ग, यानी जिस तरह एक फ्लावर जो नाजुक होता है सुबह के वक्त टहलता है ऐसे आराम से, तो इसी तरह इसको ले जा रहे हैं बड़े नाजुक, क्योंकि उनको लग रहा है ये बड़ी नाजुक है, बड़ी टेंडर है। जिस तरह लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम, जिस तरह एक परिंदा जो होता है जो नदी के ऊपर ऐसे उधर उधर मूव करता है, इसी तरह ये भी है, ये जो है डोली जो होती है जो उनके कंधों पर होती है, तो बड़े आराम से इसको हिलाते हैं, तो बड़ा सुकून मिलता होगा अंदर एक ब्राइड को, एक दुल्हन को इसमें ले जा के। She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a loaf from the lips of a dream. Now, these are similes. These are similes. तस्वीर दिया गया है इन एक bride के लिए सरोजिनी नायडू ने। Gaily, oh gaily, we glide and we sing. Gaily, oh gaily, we glide. Gaily means smoothly. Smoothly was something. Glide means move. Glide means move. Gaily means merrily, happily. Sorry. Gaily means merrily, happily. Glide to move easily without stopping. Glide means to move easily without stopping and without noise. Without noise. तो बड़े आराम से, बड़ी खुशी से इसको ले जा रहे हैं और वो गाते गाते जा रहे हैं। We bear her along like peril on a string. तो ये जो चीजें हैं काफी अच्छे तरीके से इसको अपने कंधों पे ले जाते हैं ये प्लेक्वन बैरियर्स, ये है पहला। तो इसके बाद मैं आपको दूसरा लेक्चर जो है इसमें बता दूंगा कि इसमें पहले मैं स्टैंजा आपको जो स्टैंजा इसको बयान करूंगा, इसके बाद जो फिगर्स ऑफ स्पीच है इस पोएम में वो मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके।